राधे कृष्ण दोस्तों, भगवत पद के साधकों के जीवन में एहसान का पात्र कोई नहीं बन सकता। एक साधक को अपना जीवन ऐसा ही रखना चाहिए, कभी भी किसी को भी एहसान का पात्र ना माने, क्योंकि वो निमित्त मात्र है जिनके द्वारा आपको मदद हुई है। कर्ता तो हमारे प्रभु है, कर्ता तो हमारी श्री लाडली है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी मदद कर ले, लौट के उनका एहसान कभी मत मानना। वो बातों को हमेशा पालन करो। पहला, हमारी निष्ठा में कोई अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। दूसरा, श्री जी के कृपा के ही द्वारा आप निमित्त मात्र बने, इसलिए आपका धन्यवाद। बस दोबारा मिलो तो एक ही बात के लिए बारंबार धन्यवाद नहीं कहना है। संत जन कहते हैं, चाहे कोई जीवन भर रबड़ी क्यों ना पिलाए, परंतु उन्हें पहचानने से इनकार कर दो, क्योंकि आप भगवत मार्ग में है। यहाँ आश्रय से ही काम बनता है। यदि आप दूसरों का एहसान मानते बैठोगे तो आपने तो दूसरों का आश्रय ले लिया, फिर आप भगवत पति खो ही नहीं सकते। हमें मानना ही नहीं कि किसी ने हमारी मदद की, हमारे प्रभु ने ही आपको निमित्त मात्र बना के भेजा है, इसलिए आपको जय श्री राधे। बस फिर इसी से आश्रय पुष्ट होगा। यकीन मानिए मित्रों, हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि छोटी सी छोटी चीज ही क्यों ना हो, वो प्रभु ने किया, प्रभु के कारण ये हुआ, प्रभु की कृपा के कारण ये हो रहा है। बस प्रभु की कृपा, एकमात्र कृपा, कृपा कृपा, एक भरोसो, एक बल, एक आस, निरंतर विश्वास। बस इतना एक ध्यान रखना है कि कोई अन्य नहीं जीवन में, हमें भी निमित्त मात्र बनना है। किसी से एहसान लेना नहीं है, किसी का एहसान मानना नहीं है, फिर हमारा अस्तित्व ही क्या रह गया गृहस्थ में रह के। विरक्त जैसा व्यवहार रखना है, बड़ा निर्दयी बनना है, इसमें कोई संशय नहीं है। माँ बाप, रिश्ते, नातेदार सब होके भी उनसे कोई आसक्ति नहीं, ये निर्दयता ही तो है। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए संभाल के एकदम बीच में चलना है, होश में चलना है। देखिए, हमारा प्रपंच के प्रति दया भाव नहीं है, इसलिए भाव से अनेक साधक इसमें फंस जाते हैं। अरे भाई साहब, आपने बचा लिया, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता, तो कोई और ने कैसे बचा लिया आपको। आप भगवत आश्रित है ना, किसी में इतना सामर्थ्य कि वो आपको बचा सके, वो स्वयं पहले अपने आप को बचा ले, फिर वो आ पाएगा ना। इसलिए प्रभु की कृपा से आप निमित्त बने, इसलिए जय हो प्रभु की। अगर आप उनमें फंसे तो प्रभु निकल गए, और प्रभु गए तो वही आप गिर गए, निष्ठा से, भाव से गिर गए। बिल्कुल बेपरवाह रहना चाहिए, उसी को कहते हैं निरपेक्ष। किसी से अपेक्षा ही नहीं, ऐसा वो निरपेक्ष। हम प्रभु के भरोसे हैं। प्रभु स्वयं गीता जी के 9वें अध्याय में कह रहे हैं, योग क्षेहम वहाम्यहम, मैं मेरे शरणागतु की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ। इसलिए बस उनका ही भरोसा, दूसरा कोई नहीं। उपासक को कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, किसी का एहसान नहीं मानना है। कहीं ना कहीं आपके साधन में ये बाधा हो सकती है, इतना भी बड़ा हित किया हो, हमें उसको पहचानना तक नहीं। ये ऐसा गृहस्थ पथ है जहाँ हम व्यवहार करते हुए भी व्यवहार शून्य है, किसी से प्यार करते हुए भी हम किसी को नहीं जानते। हम कहेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, पर हम उसे पहचानते नहीं। इसलिए उपासक निरपेक्ष रहे, किसी से कोई अपेक्षा ना रखे, किसी का एहसान ना माने, और ना ही स्वयं को एहसान पात्र बनाए किसी का। केवल निरंतर मुख में राधा नाम रटते रहे। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।